हेलो, नमस्कार और जय श्री राम। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। अभी हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। हम लोग नहीं, हम अकेले जा रहे हैं। तो एक कैंप लगा हुआ है घर के आसपास ही, तुरंत चलते हैं और पूरा आपको दिखाते हैं क्या प्रक्रिया है वैक्सीन लेने का। चलिए वीडियो शुरुआत। आ गए हैं वैक्सीन लेने के लिए और सबसे पहली प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए, आधार कार्ड से कॉपी में एंट्री करवाना है। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले सब लोग को ये मालूम होना चाहिए कि उनका तबीयत स्वस्थ होना चाहिए, क्या बुखार में नहीं होना चाहिए, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो नहीं लेंगे। थैंक यू। उसके बाद सर एप्लीकेशन का क्या है? ये कोविन साइट पर जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सर पहले जो एंट्री करके आते थे लोग अपॉइंटमेंट ले करके, उसका क्या सिस्टम था? उसको कैंसिल करना पड़ता है, अगर कोई स्लॉट बुक किए हुए हैं तो कैंसिल करके। अच्छा, तो देख लीजिए पहले का क्या सिस्टम था कि हम लोग एप्लीकेशन पर जा करके और अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे वैक्सीन के लिए, लेकिन अभी बुक नहीं करना है, केवल आधार कार्ड लेकर के आना है ना मैम। आधार कार्ड हम लेकर के आएंगे सबसे पहले यहाँ पे, और एक मोबाइल नंबर लेकर के आना है यहाँ पे आकर के। उसके बाद एप्लीकेशन में प्रोसेस होगा और उसके बाद यहाँ पर वैक्सीन मिल जाएगा। ये भैया आ गए हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो कैसा तबीयत, कैसा है आपका? ठीक है ना, वैक्सीन लेने के लिए रेडी है ना? बुखार जांच करने का कुछ नॉर्मली चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है नहीं है, पूछताछ कर लेते हैं। देखिए कोई भी मोबाइल एक लेकर के आना अनिवार्य है यहाँ पर। 62। तो भैया वैक्सीन कंप्लीटेड, फर्स्ट डोज कंप्लीटेड। तुमको भी वैक्सीन लेने का मन कर रहा है? क्यों? अभी एज नहीं पूरा। हाँ, इसका एज नहीं पूरा है। देखिए वैसे कुछ दिन में हो सकता है बच्चों को वैक्सीन देना शुरुआत किया जाए। स्कूल इसलिए अभी तक नहीं खोला जा रहा है क्योंकि 18 से कम वाले लड़के जो हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, इंटर तक 18 से कम के बच्चे ही होते हैं, अब वो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं। इसलिए अगर बिना वैक्सीन के वो लोग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कोरोना फैलने का डर वहीं पे है, इसलिए बच्चों का स्कूल नहीं खोला जा रहा है क्या? Yes. तो नीतीश जी का शायद यही प्लान होगा मुझे लगता है। तो 18 प्लस वालों को वैक्सीन लग रहा है और मुझे भी वैक्सीन लग चुका है और बहुत आसानी से वैक्सीन मिल रहा है। मैं जब जैसे ही यहाँ पहुँचा सबसे पहले मैं ही था, आया लग गया, बाकी वो लोग भी बैठे दिन भर इंतज़ार कर रहे हैं। आसानी से वैक्सीन मिल रहा है और लेना ज़रूरी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आप लोग भी वैक्सीन जरूर लीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको जहाँ भी बाहर का सीन दिखाए होंगे तो आप देख रहे होंगे जहाँ तहाँ पानी ही पानी लगा हुआ है। लगभग लगभग पूरा बिहार में बाढ़ सी स्थिति बनी हुई है बारिश के कारण, जो मेरे घर के आसपास भी है और हम घर पहुँच चुके हैं। यह वीडियो जो मैंने बनाया है यह जागरूकता फैलाने के लिए बनाया है, सब लोगों के पास एक जागरूकता फैले कि हाँ वैक्सीन लेना एक नॉर्मल सी बात है, कोई खतरा नहीं है। अफवाह उठा दिया गया है भाई पूरे समाज में। मैं अपने भैया लोग सामने आसपास वाले जितने सबको बुलाया कि भाई चलो वैक्सीन लेने के लिए, तो बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन लोगों को डर लग रहा है
कि वैक्सीन लेने से मौत हो सकती है, वैक्सीन लेने से बीमार हो सकते हैं, जबकि ऐसा दूर दूर तक नहीं है। प्रैक्टिकल मैं हूँ, मैं अगला ब्लॉग लाऊंगा उसमें भी शेयर करूंगा कि वैक्सीन लेने के बाद मेरे अंदर कोई बदलाव आया कि नहीं, बुखार लगा, क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ शेयर करेंगे। वैक्सीन लिए हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जय श्री राम।